आज साइट पे थोड़ा काम कम था, बारिश पड़ रही थी, तो आप सबके कमेंट्स पढ़े, तो उसमें से कुछ कमेंट्स आए कि सर बिल्डिंग और प्लानिंग इंजीनियर जो रहता है उनका काम क्या रहता है साइट पे। क्योंकि साइट इंजीनियर की अगर हम बात करें, पूरा दिन साइट फील्ड पे रहना पड़ता है, धूप में रहना पड़ता है, बारिश में रहना पड़ता है, मिट्टी में रहना पड़ता है, और काम काफ़ी ज़्यादा रहता है, ना कोई स्केड्यूल रहता है ना टाइम रहता है। तो हमें बनना है बिल्डिंग इंजीनियर या प्लानिंग इंजीनियर। तो फिर आपके लिए साइट पे एक वीडियो तैयार की कि प्लानिंग और बिल्डिंग इंजीनियर को क्या क्या आना चाहिए, वो काम क्या करते हैं साइट पे, मतलब उनका डेली वर्क क्या रहता है, क्या स्केड्यूल रहता है। ऐसे तो काफ़ी काम रहेगा जो आप फील्ड में जाओगे, हर साइट पे अलग काम रहता है, लेकिन जनरल जो काम सबका रहता है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है, और उसके बाद आप प्लानिंग बिल्डिंग में जा सकते हो यार, सीख भी सकते हो, और ये स्किल आपको आने भी चाहिए। तो उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लाते रहते हैं। आप टेक्निकल पर्सन हो नॉन टेक्निकल, कोई भी हो, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैनल है ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानिंग इंजीनियर की, फिर हम जाएंगे बिल्डिंग इंजीनियर की। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा 8 से 9 मिनट की, लेकिन देखोगे तो मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले प्लानिंग इंजीनियर को क्या करना होता है, टारगेट वर्क विद कंप्लीटिंग टाइम, मतलब जो भी वर्क, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड की कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या पाइपलाइन या गैस, किसी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसका एक टारगेट उसको बनाना होता है। मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट देखो, बीओ कोई भी वर्क ऑर्डर या बीओक्यू निकलेगा तो उन्होंने मेंशन किया होगा आपको 5 से 6 महीने में ये वर्क कंप्लीट करने। तो प्लानिंग इंजीनियर क्या काम रहता है, उसी हिसाब से उसको शेड्यूल बनाना होता है, प्लान बनाना होता है कि हम इतना काम इतने दिन में कंप्लीट करके दे देंगे, तो उसी हिसाब से वो टारगेट सेट करता है। फिर उसी हिसाब से जा 5 से 6 महीने में हमें खत्म करना है, तो लेबर प्रोडक्टिविटी निकालेगा, हमें कितनी लेबर चाहिए कि ये काम 6 महीने में खत्म हो जाएगा, मतलब RCC है, शटरिंग है, स्टील वर्क है, तो उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी निकालेगा वो कि इतने आदमी अगर हमारे पास होंगे, हमारा 200 टन का काम है अगर, तो हमें कितनी मैन पावर चाहिए, 50 मैन पावर होगी तो वो 6 महीने में काम खत्म कर देगी। तो ये प्लानिंग इंजीनियर का काम होता है कि कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी लेबर की और किस हिसाब से प्रोडक्टिविटी रहेगी, 100 आदमी हमें फिटर चाहिए, 100 आदमी हमें रिगर चाहिए, ये सब चीजें प्लान करनी पड़ती है प्लानिंग इंजीनियर को। तो इसमें मैं वीडियो, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें मैं वीडियोज डाल चुका हूँ, 600+ वीडियोज है, आप वहां देख सकते हो, लेकिन ये भी देखते जाओ। फिर दूसरी तीसरी चीज ये क्या रहती है, देखो वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ, 1 से 2 मिनट में आपके लूंगा। और अगर आप जॉब के साथ रह के प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हो, मतलब साइट इंजीनियर की जॉब कर रहे हो, जहाँ स्टूडेंट हो, जहाँ प्रमोशन चाहते हो, तो ये आप जॉब के साथ फ्री होके आप प्लानिंग इंजीनियर के जो 2 मोस्ट डिमांडेड सॉफ्टवेयर है, MSP और प्रिमावीरा, एक नया बैच उसका स्टार्ट हो रहा है, सॉलिट्यूड एजुकेशन ये आपको पढ़ाने वाला है, जिसमें आपका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, MNC कंपनीज में भी है और हर जगह ये 2 सॉफ्टवेयर की डिमांड रहती है अगर आपको प्लानिंग या बिल्डिंग में जाना है। प्लानिंग के लिए मोस्टली MSP, छोटी मोटी कंपनी जो है MSP सॉफ्टवेयर, वहाँ डिमांड रहेगा ही रहेगा, और कोई बड़ी कंपनी है वहाँ पे आपके लिए प्रिमावीरा रहेगा। तो MSP में आपको सिखाया क्या जाएगा, बेसिक से एडवांस, आप कोर्स कंटेंट देखना, मैं कोर्स कंटेंट आपको दिखाता हूँ, ये सब चीजें अगर हम कोर्स कंटेंट ही देखें इतना ज्यादा है। अभी ऐसे कंप्लीट सिलेबस दिखाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको अगर आइडिया ही नहीं है कि MSP में क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपको इतना आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन समझ लो पूरा बेसिक से एडवांस आपको सिखाया जाएगा। और प्लानिंग में जरूरत पड़ती है MSP के थ्रू, वो आप प्लानिंग इसकी हेल्प से कर सकते हो। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं जो मेट्रो के, बिल्डिंग के, हाईवे, बुलेट ट्रेन, उनमें प्रिमावीरा P6 मोस्टली यूज किया जाता है, जिसमें आपको प्लानिंग, हर काम कैसे करना है, कैसे सेविंग करनी है, कितना रिसोर्सिस, क्या लेबर, मटेरियल, हर चीज रिकॉर्ड रख सकते हो इसकी हेल्प से आप। तो इसमें कंप्लीट आपको बेसिक से एडवांस सिखाया जाएगा, आपको साइट पे जाके काम करना है तो ये आपको पूरा सिखाएंगे कि कितना एक्सपेंस कैसे निकालते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अभी वही चीज आ गई ना, अगर आपने प्रिमावीरा पहले नहीं सुना है, देखा है, तो आपको सिलेबस का आइडिया नहीं लगेगा। बस इतना समझ लो, अगर प्लानिंग करना सीखना है प्रिमावीरा की हेल्प से, तो ये कोर्स आपकी हेल्प कर सकता है। और इस कोर्स में क्या बेनिफिट है, बाकियों से क्यों नहीं ले हम, तो यहाँ लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है, ISO वैलिड सर्टिफिकेट मिलता है, ये हर चीजें आपको सॉलिट्यूड एजुकेशन देता है, मतलब लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन रहता है, फैकल्टी से डायरेक्ट बात कर सकते हो, और क्वालिटी कंटेंट रहता है, वीडियोस रहती हैं काफ़ी अच्छी, और इसमें लाइफ टाइम आपके लिए लेक्चर्स, फाइल्स हमेशा आपके पास पड़ेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी वो आपके पास पड़ी रहेंगी, और फिर प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, डाटा, PDF आपको सब कुछ दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये सामने जैसे सर्टिफिकेट आप देख रहे हो, ये आपको काफ़ी काम आएगा हर जगह। और MSP का अलग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रिमावीरा का अलग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और ये कोर्स एक्चुअल प्राइस है 10,000, अगर ऑफलाइन सीखने जाओगे तो 20-30 हज़ार रुपये लगता है, तो 10,000 रेगुलर प्राइस है, ऑफर आपके लिए रखा गया है 3 दिन का,
80% ऑफ रखा जा रहा है, 1999 का ये कोर्स रहेगा और इसमें MSP प्रीमियर दोनों सिखाया जाएगा। तो जल्दी जाके अप्लाई कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। अभी चलते हैं हम टॉपिक पे। उसको कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल या मशीनरी है उसको कहाँ सेटअप कर रहे हैं, कहाँ वो मशीनरी रहेगी, कहाँ मटेरियल का स्टॉक होगा, स्टील यार्ड कहाँ रहेगा, फैब्रिकेशन यार्ड कहाँ रहेगा, शटरिंग मटेरियल कहाँ रहेगा, वो एक प्लान उसको सबमिट करना पड़ता है क्लाइंट को, या खुद के लिए भी वो प्लान बना के उसको प्लान बनाना पड़ता है, वो भी प्लानिंग का ही एक पार्ट रखते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टैकिंग का और जो हमारा मशीनरी का। नेक्स्ट चीज उसको क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है मशीन और मोबिलाइजेशन, कितनी मशीनरी हमें चाहिए, क्या क्या मशीनरी चाहिए, किस वर्क के लिए, अगर हमें 2 GCB चाहिए या क्या। क्वांटिटी सर्वे का पार्ट है लेकिन ये प्लानिंग में भी आता है, उसको भी प्लान आउट करके रखना होता है कि हमें इतनी चाहिए, इतने दिन बाद हमें मशीनरी लगेगी, इतने दिन बाद हमें इतनी मैन पावर लगेगी, ये सब चीजें उसमें प्लानिंग में आती है। नेक्स्ट चीज आती है मेन जी, जो एवरीडे एक्शन प्लान होता है, आज पूरे दिन में हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअल हमने प्लान कितना किया था, एक्चुअल कितना हुआ, ये सब रिकॉर्ड उसको करना पड़ता है, ये प्लान एवरीडे का उसको एक्शन प्लान बनाना पड़ता है, क्योंकि कितनी लेबर है हमारे पास और कितना आउटपुट हम दे सकते हैं उसी हिसाब से उसको प्लान बनाना पड़ेगा। वीकली प्लान रहता है, हम इस हफ्ते कितना काम करके दे सकते हैं, कितना काम होगा, फिर उसका एक्चुअल निकलेगा, जितना हमने प्लान किया था उसका एक्चुअल, उस समय से हमारा कितना टाइम वेस्टेज हुआ, क्या हुआ, तो वो चीजें उसको निकालनी पड़ेगी, उसी हिसाब से बिलिंग रहेगा, उसी पास से हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। फिर मंथली प्लान रहता है कि पूरा मंथ में हमारा कितना काम होगा, उसका प्लान हमें देना पड़ेगा कि हम इतने M3 कंक्रीट करेंगे, इतनी शटरिंग हो जाएगी, इतना स्टील हो जाएगा, इतनी स्टोरिंग कंप्लीट हो जाएगी, पूरा उसको एक्शन प्लान उसको मंथली के हिसाब से देना पड़ेगा, फिर उसी हिसाब से वर्क वहां साइड पे होता रहेगा। फिर डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगी कि कितना आज काम हुआ, फिर मंथली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये भी कभी कभी प्लानिंग में ही आपको सेटअप करना पड़ता है, लेकिन मेन जो प्लान रहता है वो प्लानिंग इंजीनियर का क्या रहता है, वीकली और मंथली प्लान जो रहता है ये मेन चीज है। और अगर हम बात करें उसको एस्टीमेशन और प्रेडिक्शन, कैलकुलेटिव प्रेडिक्शन भी करनी पड़ती है, उसी हिसाब से वो निकाल सकता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी से एक थंब रूल्स रहते हैं, थंब रूल के हिसाब से भी प्लानिंग कुछ चीजें प्लान करनी पड़ती हैं, तो उसको थंब रूल्स पता होने चाहिए, उसको कैलकुलेटिव प्रेडिक्शन कर पाएगी कि इतने टाइम में ये हो पाएगा 5 आदमी से या 6 आदमी से, तो उस हिसाब से उसको प्रेडिक्शन करके भी चलना पड़ता है। ये बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, ऐसे तो बहुत होता है प्लानिंग है। फिर रिकॉर्ड रखना होता है, डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी वर्क है उसका रिकॉर्ड उसको रखना पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर अगर आपको करियर अपना बनाना है प्लानिंग में, और आपको ये चीजें तो पता चल गई आपको क्या क्या आनी चाहिए, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर सीखते हो परमवीरा, तो आपकी ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि परमवीरा की डिमांड काफी ज्यादा, परमवीरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्लानिंग का काफी अच्छा है, अभी इंडिया में ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ इतना, लेकिन काफी डिमांडेबल ये रहेगा। ये हो गया हमारा प्लानिंग इंजीनियर का। अभी हम चलते हैं हमारे बिलिंग इंजीनियर में, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या क्या सीखना है और कौन सा सॉफ्टवेयर बिलिंग इंजीनियर को आना चाहिए अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए, तो सबसे पहले बिलिंग इंजीनियर का वर्क क्या होता है साइड पे, अगर ऐसे फ्रेशर अगर आप साइड पे जाओगे तो आप क्या देखोगे, जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर होगा उसका बिल आपको बनाना पड़ेगा। ब्रिक वर्क चल रहा है आपकी साइड पे, शटरिंग चल रही है, स्टील वर्क चल रहा है, फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग, प्लास्टर, जो भी वर्क चल रहा है उसकी मेजरमेंट आपको करने चाहिए अकॉर्डिंग, ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको देखना है, BOQ में देखना है, दोनों के अकॉर्डिंग आपको उसकी मेजरमेंट करनी है साइड पे मेजरमेंट करके उसका बिल बनाना होता है, वो हमारा सब कॉन्ट्रैक्टर बिल हो गया, उसी हिसाब से आपको आना चाहिए। इसमें क्या हो गया, आपको क्वांटिटी कैलकुलेशन आनी चाहिए, आपको मेजरमेंट करना आना चाहिए, मैथ थोड़ा आना चाहिए, तो आप सब कॉन्ट्रैक्टर बिल बना सकते हो। फिर RA बिल जो होता है, रनिंग बिल जो चलता है, क्लाइंट बिल, तो वो आपको बनाना चाहिए, इसी में से वो निकल आता है, लेकिन उसको थोड़ा फॉर्मेट चेंज होता है, थोड़ी उसमें आपको BOQ का थोड़ा काम पड़ेगा, BOQ के हिसाब से आपको वो बनाना पड़ेगा। फिर एस्टिमेशन और कॉस्टिंग तो उसको आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए बिलिंग में, क्योंकि एस्टिमेशन भी उसको करना पड़ेगा, मेजरमेंट और कॉस्टिंग निकालना उसको आनी चाहिए, क्वांटिटी कैलकुलेशन निकालना उसको आनी चाहिए। और सॉफ्टवेयर में नीचे बताने वाला हूं, लेकिन आपको बता दूं, एक्सेल और ऑटोकैड उसको मस्ट आनी चाहिए बिलिंग इंजीनियर को, और उसको जब भी आप साइड पे जाओगे आपको ये वर्क करना पड़ेगा, एक्सेल के फॉर्मूलेस और ऑटोकैड आपको आनी चाहिए एज ए बिलिंग इंजीनियर। बाकी BOQ की रीडिंग उसको आनी चाहिए, क्योंकि BOQ के हिसाब से उसको आइटम रेट बनाने पड़ेंगे, उसी हिसाब से वो काम करेगा। फिर क्वांटिटी सर्वे का भी नॉलेज होना चाहिए बिलिंग इंजीनियर को, कैसे हम क्वांटिटी निकालते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या सब चीजें, वो क्वांटिटी कैलकुलेशन में आ गया। कोई भी काम जैसे
रहते हैं, मैंने बताया था ड्राइंग रीडिंग इज द मस्ट मस्ट, उसको आनी आनी चाहिए, क्योंकि ड्राइंग रीडिंग अगर आपको आती है आप प्लानिंग कर सकते हो, आप बिलिंग कर सकते हो, आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो, आप कोई भी वर्क कर सकते हो अगर आपको ड्राइंग रीडिंग आती है। फिर मटेरियल की स्पेसिफिकेशन उसको पता होनी चाहिए और उसमें बीओक्यू पढ़ना अच्छे से आना चाहिए। बीओक्यू के हिसाब से उसको आइटम रेट डालने होते हैं, बीओक्यू के हिसाब से उसको बिल बनेगा, तो उसको ये आना ही चाहिए मटेरियल स्पेसिफिकेशन। फिर रिकंसिलेशन बिल जो होता है वो उसको बिलिंग इंजीनियर का काम रहता है, वो करना पड़ सकता है। बिलिंग रिकंसिलेशन बिल क्या होगा, जो वर्क ऑर्डर ने बीओक्यू में दिया है उसके अगेंस्ट कुछ काम हो रहा है, अलग काम हो रहा है साइड पे, तो उसको हमें रिकंसाइल करना पड़ेगा, ये हमने यहां यूज किया इसलिए यूज होने वाला था, ड्रॉइंग में मेंशन नहीं था। ये सब चीजें देकर रिकंसिलेशन बिल बनता है, ये आपको आना चाहिए, आपको सीखना भी चाहिए। नेक्स्ट ये जेएमआर ज्वाइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड, मतलब जो एक्स्ट्रा काम होता है, एक्स्ट्रा आइटम होती हैं, उनको हम ज्वाइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड है वो आपको बनाना आना चाहिए, ज्वाइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड। तो नेक्स्ट जो आपको सॉफ्टवेयर आने चाहिए बिलिंग इंजीनियर बनने के लिए, वो एक्सेल और वर्ड आपको आना ही आना चाहिए। एक्सेल तो मेन चीज है बिलिंग का, दूसरा अगर आप सैप का नॉलेज है आपको तो आप ये काफी काम आपको आएगा ग्रोथ करने में। बाकी आपको एस्टीमेशन और एरिया मेजरमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेशन, क्वांटिटी सर्वे, ये चीजें आनी ही आनी चाहिए, बाकी तो आपका हो जाएगा। बाकी ये दो काम होते हैं, मतलब बिल प्लानिंग इंजीनियर और बिलिंग इंजीनियर का, आपको दोनों पता चल गया क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और क्या क्या आपको सीखना है, तो आप इसमें अपना करियर बना सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना, कुछ भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन होता है कमेंट करो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू गाइस।